थे कांग्रेस में, कांग्रेस के चाहते तो शीला दीक्षित जी ने काम किया, वो आज तक केजरीवाल ने तो किया नहीं। केजरीवाल ने तो बस ये स्कूल और ये बिजली और ये सब, इसका कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचा है, जो संगीत का बहुत कम लोगों को फ़ायदा है, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे जनता ने 5 साल आम आदमी पार्टी के विधायक को दिया, क्या उन्होंने यहाँ पे कुछ काम किया है? नहीं, मेरी निगाह में तो कोई ऐसा कोई खास काम नहीं किया जिससे सब जनता को फायदा हो। कुछ लोगों को फायदा पहुँच सकता है, जैसे 200 यूनिट वालों को फायदा पहुँच सकता है, और तो इसमें में पानी क्या खराब हो, पानी इतना अच्छा नहीं आता क्वालिटी वाला। पोस्टर लगे हुए थे और उसमें ये फायदा था कि दिल्ली में सबसे ज़हरीला पानी है, क्या ये बात सच है? हाँ है, कुछ जगह पे साफ़ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो थोड़ा पानी ठीक ही है, खराब ही है, कभी कभी बहुत ज़्यादा तो खराब होता है। सर, क्या ये माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब सत्ता में आए थे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, वो भी खरीदे थे? नहीं, देखिए वादे तो सभी करते हैं, मोदी जी ने वादे किए थे 15 लाख के, क्या वो आ गए 2 करोड़ नौकरियों के? आज देश की हालत क्या है सबको पता है, अगर आज इलेक्शन हो जाए तो मेरे ख्याल से बीजेपी का आना भी मुश्किल है। ठीक है, और आप चाहते हैं इस बार कि कांग्रेस की सरकार? हाँ, कांग्रेस की आज देखो, शीला दीक्षित जी ने जो काम किया है वो आज भी आपको दिख रहा होगा, पुल वगैरह सफदरजंग में आप जाइए, मेडिकल जाइए, जो पुल बने हुए हैं आदमी रास्ता भूल जाए, ऐसे ऐसे पुल बना रही है अब शीला दीक्षित जी और कांग्रेस की दोनों ने, कोई ऐसा काम नहीं किया। कोई ऐसा आदमी जो दिल्ली के बारे में सर क्या लगता है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी नए चेहरे को लाना चाह रहे हैं? हाँ जी, ये पुराने तो देखे हुए हैं, इनमें तो कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके को सेल्फलेस सर्विस। तो सर अब तक जो सरकार सत्ता में रही है उन्होंने काम नहीं किया? जिसने की बताइए, कोई एक बता दीजिए, किसी एक का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पार्टी, ऐसा आदमी बता दीजिए जिसने ये काम किया, बताइए। जनता के मुताबिक तो बोल रहा हूँ, जनता को छोड़िए आप बताइए, आप जनता में घूम रही हैं, किसी एक आदमी का नाम लीजिए कि ये आदमी ने ये काम अच्छा किया, आप बताइए। जी ने भी अच्छे काम किए हैं, वो जिसलिए बताई गई वो अच्छे कामों के लिए ही बताई गई, वो जो अच्छे काम थे उनके फल स्वरूप उनको हटाया गया, तो ऐसा आदमी बताइए, वही मैं कह रहा हूँ ना, कोई ऐसा आदमी हो। अब जैसे कल परसों यहाँ बात हो रही थी, किसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी वाले अच्छे हैं, रीज़न भाऊ जी आपको तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो किराया नहीं देना पड़ता। मैंने कहा तभी तुम यहाँ से लाल बस पे चढ़ती हो, 3 बार बदलती हो और वहाँ पहुँचती हो और फिर घर से यहाँ आती हो मेरे यहाँ, वो हमारे यहाँ काम करती हूँ, और वो कहती हैं जी जब से ये हुआ है मैंने कभी हरी बस का मुँह नहीं किया। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि परसों मैं खुद जा रहा था, बस में 6 आदमी बाकी सब होते हैं, और उनमें से 2-3 महिलाएं ऐसी थी वो काम काजी महिलाएं जो ड्यूटी पर जा रही हूँ, बाकी सब जो थी वो सब्जी लेनी है तो ओखला जाएंगी, नैरोली में नहीं मिलेगी उन्हें सब, क्योंकि वहाँ सस्ती मिलेगी, तो यहाँ से गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस में हो जाएंगी। देखिए आपने मदद करनी है तो गरीब की, केजरीवाल जी कह रहे थे कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने 170 या 180 का अनुमान किया, उन्होंने मान खरीदा, आपको बड़ी भारी तकलीफ है, आप गुजरात में जाकर बात करिए, कहते जी हमने पब्लिक में बांट दिया पैसा, अभी भी मांग रहे हैं पैसा, वो तो सरकार से कि हमें पैसा दीजिए हम ये कर लेंगे वो करो ना। एक आदमी जिसके पास कपड़े पहनने को नहीं है क्योंकि वो पुरुष है उसे टिकट लेना पड़ेगा, एक महिला जो 10 आदमियों को घर में नौकर रखती है 10 आदमियों को खाने को देती है वो फ्री जाए, ये जो इन्होंने सोचा है ना कि ऐसा दे दो तो वैसा ले लो, ये लेने के कब तक चलेगा, लंबी दूरी तक नहीं चलता, सर इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपना सारा, मेरे से एक ने पूछा मैं कभी, उन्होंने बड़ी तरक्की की हेल्थ ने भी खोल दी, उसने क्या किया है जब वो आए थे 5 साल पहले उनका वेट तोल लीजिए
आज उन्हें खड़ा कर दीजिए, उनका वेट तोलिए। 20 किलो कहाँ से आ गया? उन मेहनती आदमी की कभी बढ़ती नहीं है, मतलब जो मेहनती आदमी है वो वैसा ही रहे। मैं इस समय 76 ईयर्स का आपके सामने, मेरी आप 26 ईयर्स की एज की फ़ोटो देखिए, मुझे नहीं लगता आपको 2-4 किलो का फर्क। देखिए अगर आप काम करते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, सिसोदिया गंदे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, केजरीवाल मोटे हो जाएंगे, खांसी बंद हो जाएगी, मफलर हट जाएगा, खड़े होकर कहेंगे जी मेरा मफलर वहाँ रख के आया हूँ, अभी लेके आता हूँ, फिर तुम मफलर पर लड़ना। तो ये चीज़ें जो हैं इनको ज़्यादा दूर तक पे नहीं करेंगे, कोशिश में लगे हुए हैं। हम भी कहते हैं कि बिजली कह रहे हैं ना, देखिए जो मजदूर घर से सुबह निकलेगा 8 बजे, जिसने काम पे जाना है तो रात को 10 बजे आना है, वो कितनी बजे? आपने कहा कि 2-3 यूनिट मुफ्त कर दी, अमीर के लिए कर दी तो क्या फ़ायदा है इसका? रेवेन्यू बंद कर दिया, खर्चे बढ़ा दिए, तो ये तो पता नहीं जीतेंगे कि नहीं, ये उनकी तकदीर है। बाकी मैं तो नहीं मानता कि ऐसे आदमी को जिताना या जीतना है। केजरीवाल जी को चुनेंगे, केजरीवाल जी ने काफ़ी काम किया है, आप विपक्ष को ये कहता है कि उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया, शिक्षा जी के वादे कहते रहते हैं, कोई बोलेगा, कोई खाना बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल जो काम करके दिखाया है, दूर करा है, देख रही है, एक भी आ रही है कार्य करा है, दूर देखा है, केजरीवाल जी ने कहा हमें अच्छा लगा। शिक्षा के लिए, बिजली पानी के लिए सारा काम करा रहे हैं, उस काम को देखते हुए विपक्ष ने तो अपनी शक्ल भी देखी थी जाते साल से पानी की प्रॉब्लम थी, उन्होंने दूर कर दी। 4 साल से हमने अभी देखिए कि पानी रात 2 बजे उठ रहे हैं, 5 दिन पानी तो बटन दबाओ पानी आता है। പത്രക്കാര് किसी सरकार ने काम नहीं किया जो आप इतना सोच रहे हैं मोदी जी को, क्यों केजरीवाल ने काम नहीं किया? मोदी करा रहे सर, क्या नाम आपका? समसार सर, इस बार आपका मुख्यमंत्री अपने से सुनेंगे अरविंद केजरीवाल जी। हाँ केजरीवाल जी को क्यों? केजरीवाल जी ने काम किया है दिल्ली में, दिल्ली वालों के लिए नहीं, भी पक्ष का तो काम ही है कहना, लेकिन दिल्ली में अगर वास्तविकता में देखी जाए तो बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर काम हुआ, लाइक एजुकेशन हो गया आपका, हॉस्पिटल हो गया, और बिजली हो गया, पानी हो गया, जो मेन ज़रूरतें हैं वो, उन सब चीज़ पे अच्छा, बहुत अच्छा काम। वैसे विपक्ष ये भी कहता है कि वो तो हवा हवाई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, रियल ग्राउंड लेवल पर काम हुआ, हवा हवाई बात नहीं है, विपक्ष का तो काम ही है ये सब चीज़ें कहना, नो डाउट। मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का ही होना चाहिए, कोई काम नहीं किया केजरीवाल जी ने, सिर्फ झूठे वादे। मैं मैरोली की बात करता हूँ, जब से हमने वो संभाला, ये बस स्टैंड भी है कांग्रेस की देन है, आदरणीय सज्जन कुमार जी जो यहाँ से विधानसभा के उम्मीदवार है, सतबीर जी, उसके आगे कमेटी सेंटर वो भी सतबीर जी और सज्जन कुमार जी की देन है। केजरीवाल तो ये कहते हैं कि मेरे जैसा मुख्यमंत्री, मतलब जो रहा है उन्होंने ऐसे काम
शीला दीक्षित का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता पूरे देश में। सारा पैसा उन्होंने जोड़ा, पुल बनाए 70 पुल, यूनिवर्सिटी, कौन सा सिस्टम उन्होंने सही नहीं किया, मेट्रो, शीला दीक्षित थी, क्या चीज़ ऐसी थी उन्होंने नहीं दी, इन्होंने उन्हीं का बेस बनाया हुआ पैसा, आज वो हमारा ही दिया हुआ टैक्स का पैसा हमें ही लुटा के कह रहे हैं मैंने विकास किया, झूठे हैं बिल्कुल। चलिए अरविंद केजरीवाल बहुत कुछ कर रहे हैं, गरीबों के लिए सोच है उनकी, गरीबों के लिए सोच है, सोचते तो देश नहीं चलता था। हाँ सोच क्यों नहीं चल रहा है, सोचेंगे तभी तो देश चलेगा, बिना सोचे तो कुछ होता नहीं है। सोचने से मैं सोचूं कि मैं यहाँ पे आगरा का ताजमहल बना दूँ, मेरी सोचना पड़ता है ना, उसके लिए भी पावर होती है, उनके पास जितनी पावर है इसलिए वो इसको सोच रहे हैं, हर कोई इस चीज़ को नहीं सोच सकता ना, उनके लिए जहाँ तक वो सोच रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी जो सोच रहे हैं गरीबों के पास जा जाके उनसे उनकी समस्या का हल पूछ रहे हैं, पानी के लिए कर रहे हैं, स्कूल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जो आज पहले के टाइम में हमारे टाइम में स्कूल में नहीं हुआ करती थी सुविधा, वो आज के टाइम में वो दे रहे हैं, ये सब सुविधा है। हर चीज़ की सपोर्ट मिल रहा है। हाँ विपक्ष का ये कहना है कि फ्री फ्री करके सिर्फ देश को लूट रहे हैं और कुछ नहीं, जिसको जरूरी है उसका सहायता कर नहीं नहीं फ्री यात्रा की बात नहीं है, वैसे भी गरीब लोगों के लिए बहुत सेवा की है उन्होंने, बस ये नहीं ऑटो वालों को काफ़ी सहायता की है, पानी की सुविधा की है। मैम विपक्ष का ये कहना है वो जो हवा हवाई है सिर्फ कहते हैं, करना उन्हें कुछ नहीं है। नहीं नहीं गलत कहा जा सकती है, उन्होंने पीछे वाले पीछे ही बोलते हैं, ऊपर आकर तो किसी नहीं बोलता, पीछे से लोग पीछे शांति उठाते हैं। हमारे तो पानी आने लग गया, सबसे बढ़िया यही है, पानी तो बहुत अच्छा आने लग गया, पहले इतना गंदा पानी आता था, बहुत अच्छा पानी आता है। मैम अभी आपने पानी की बात की है, कहा है कि जो पानी आ रहा है वो झेलना पानी है, हालांकि जनता को सही पानी नहीं, अभी तो हमारा साफ आ रहा है, अच्छा पानी अभी बिल्कुल साफ पानी आ रहा है, वो बल्कि जल बोर्ड वाला आता वो गंदा आता है। कौन सा चैनल है? रियल एक्सप्रेस। अभी रात में दिखाएगा? नहीं कल दोपहर को, कल दोपहर को दिखाएगा। GLX रियल एक्सप्रेस, जी एक्सप्रेस, रियल एक्सप्रेस। तो जनता की एक ही आवाज़ अली बहुत बड़ी, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया मेरी दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य पर काम किया, और इस बार ही 5 लाख अरविंद केजरीवाल को भी देना चाहते हैं। इस दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, दबाएं इस बेल आइकन को, और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।